और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें तो लखनऊ से ये खबर, जहां यूपी में नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स। 6 लाख भवन स्वामियों को मिलेगी राहत, हाउस टैक्स बढ़ाने को सदन से मंजूरी नहीं मिली है। नगर निगम 4 साल से कोशिश कर रहा है टैक्स बढ़ाने के पक्ष में, कोई भी दल नहीं है। चुनाव के चलते सभी दल विरोध कर रहे हैं। यूपी में हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा, 6 लाख भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। चुनाव के चलते टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कोई भी दल नहीं है, तो भवन स्वामियों को राहत मिली है। 6 लाख भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। हाउस टैक्स बढ़ाने को सदन से मंजूरी नहीं मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक, यूपी में भवन स्वामियों को राहत मिलेगी, 6 लाख ऐसे भवन स्वामी हैं जिनका हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और इसी के चलते सभी दल विरोध में हैं। देखिए, ये नगर निगम का मामला है जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है। नगर विभाग विकास जो है उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें शहरी विकास को देखा जाता है, और जो हाउस टैक्स का मामला वो सीधे सीधे जो कहीं ना कहीं जो है वोटर से जुड़ा रहता है। और मौजूदा जो सरकार है वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिसकी वजह से वोटर के ऊपर सीधा असर पड़े और उसके जो है जो विधानसभा चुनाव होने उस पर असर पड़े। यही वजह है कि लखनऊ नगर निगम ने प्रस्ताव किया था, अधिकारियों की तरफ से प्रस्ताव आया था, लेकिन नगर निगम में कोई भी जो राजनीतिक दल वो ये इस पर जो है सहमति नहीं बना पाया। और खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो बहुमत बीजेपी का और मेयर भी बीजेपी की है, तो इस प्रस्ताव को जो है फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जी बिल्कुल अशफाक, आप बने रहे हैं, आपके पास फिर लौटेंगे। तो भवन स्वामियों को राहत मिलेगी, 4 साल से नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन हाउस टैक्स बढ़ाने को सदन से मंजूरी नहीं मिली।